भिवानी स्थित अपने निवास पर मीडिया से बात करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री श्रीमती किरण चौधरी का छलका दर्द। बोली, मुझे किसी प्रोग्राम की सूचना नहीं दी जा रही, मैं खुद आगे से फ़ोन करती हूं तो फ़ोन नहीं उठाया जाता। इलाके में प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी और लीडर आ चुके हैं, पर मुझे व श्रुति चौधरी को कोई सूचना नहीं दी गई। बार बार हमारी बेइज्जती करने की कोशिश की जा रही है। हम उड़बाजी नहीं कर रहे, पर इलाके में प्रोग्राम होते हैं और सूचना तक नहीं दी जाती है, तो गुड़बाजी कौन कर रहा है, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। देखो, मैं सिरसा सीट में गई हूँ और वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से, बहुत भारी बहुमत से जो है, मैं समझती हूँ शैलजा जी जीत के निकलेंगी। और कहीं तो मेरा जाना का इत्तेफाक हुआ नहीं है। भिवानी में थी मैं, भिवानी में भी हमने प्रचार जो है अपना पार्टी का करा है। नहीं, मेरी कोई नाराज़गी नहीं है। देखो, मैं एक पार्टी की समर्पित सिपाही हूँ और उसके नाते, एक इलेक्टेड MLA के नाते, चार बारी मैं यहाँ से MLA बन चुकी हूँ, उसके नाते मेरे को जो है, दान सिंह जी ने जब कहा कि आपने मेरा दफ्तर खुलवाना है, तो मैंने दोनों दफ्तर खुलवाए, वहाँ पे मीटिंग करवाई और बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी, आपने सबने देखा। और खुलकर जो है, मैंने उनके समर्थन के लिए जो है, मैंने जो है अपनी आवाज़ उठाई और खुलकर मैं बोली थी। लेकिन उसके बाद मैंने ये देखा है कि उसके बाद जो है, मुझे कोई इतलाई नहीं दी जाती है, कोई सूचना नहीं दी जाती है। मैं भिवानी के अंदर हूँ, कोई ये भी नहीं है कि मैं कहीं इधर उधर हूँ, भिवानी में हूँ। भिवानी में होने के नाते ये आप जानते हो कि ये इलाका जो है चौधरी बंसीलाल जी का इलाका माना जाता है। सुरेंद्र सिंह जी ने बहुत काम करे हुए हैं, बंसीलाल जी ने करे हुए हैं, और बल्कि आज जितने भी प्रत्याशी हैं विपक्ष के भी और पक्ष के भी, सारे सुरेंद्र सिंह जी की समाधि पर और बंसीलाल जी की समाधि पर जाते हैं। जो आज तक कभी, जिन्होंने जो है वहाँ पर मत्था नहीं टेका था, वो लोग सारे के सारे जा रहे हैं दोनों तरफ से। तो कहने का मतलब ये है कि लोग जो हैं यहाँ पे, 15 साल हमने काम करा है, श्रुति यहाँ पे MP रह चुकी हैं, बहुत दबा के काम करा है लोगों के लिए, तो लोगों के अंदर पहचान है। तो इतना तो बनता है प्रत्याशी का कि वो जो है हमारे को सूचना दे, लेकिन उनके दफ्तर से कोई सूचना नहीं आती है। बार बार मैंने उनको लगातार मैं फ़ोन करती हूँ, फ़ोन जो है मेरे उठाए नहीं जाते हैं। कल भी मैंने फ़ोन करा 3-4 बारी, जब लोहानी में थे वो दीपेंद्र के साथ, तब भी मैंने फ़ोन करा कि मुझे बताइए कि मैं कहाँ हूँ, पर फ़ोन तो उठाया नहीं ना। आज सुबह भी मैंने करा ये पूछने के लिए, फिर भी फ़ोन नहीं उठाया। तो इस तरह से जो है हमारे साथ बर्ताव किया जा रहा है। अब आप मुझे बताओ, मैं जहाँ से MLA रही हूँ, 4 बारी MLA हूँ वहाँ की अभी मौजूदा, आप इलाके में जा रहे हो, आप मेरे को इतला ही नहीं कर रहे हो। वहाँ पर आप जो हैं अलग अलग उदयमान जाते हैं, जो हमारे PCC प्रेसिडेंट हैं, उनका दायित्व बनता है कि MLA होने के नाते मेरे को इतला करा जाए, मेरे को बुलाया जाए, पर ना तो मेरे को बुलाया जाता, इतला ही नहीं करी जाती, बुलाने की तो बात छोड़िए। तो इस तरह की जो है बेइज्जती जो है ये बार बार जो है मेरी और श्रुति की कर रहे हैं। अब इसके ऊपर और इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकती हूँ। देखो, गुटबाजी हमारी तरफ से तो हो नहीं रही, मैं तो स्पष्ट कह रही हूँ, मैं यहाँ बैठी हूँ समर्थन देने के लिए और अपना काम भी कर रही हूँ। आप देख रहे हो कि लगातार इलाके के अंदर हूँ मैं, या तो सिरसा में हूँ, यहाँ पर मैं तो कांग्रेस प्रत्याशी के लिए ही लगी हुई हूँ, कांग्रेस पार्टी की हूँ। लेकिन जब गुटबाजी की बात अगर आए, तो गुटबाजी मैं तो नहीं कर रही, गुटबाजी कौन कर रहा है ये तो सामने स्पष्ट नज़र आ रहा है। अब भिवानी में मीटिंग होती है, वहाँ पे हुड्डा जी आते हैं, हमारे को वहाँ की भी इतला नहीं करी जाती। औपचारिकता रूप से जो है श्रुति चौधरी यहाँ से XMP हैं, बुलाना तो चाहिए ना। मैं हरियाणा के अंदर CLP लीडर रह चुकी हूँ, मुझे कहते इतला होनी चाहिए, वो तक नहीं बुलाई जाती। तो इस तरह से बेइज्जती जो है वो बार बार ये लोग कर रहे हैं और ये सोचते हैं कि इनको बिल्कुल ही ख़त्म कर दो, मार डालो। तो बात ये तो अब जनता तो देख ही रही है क्या हो रहा है। अब हमने तो अपनी तरफ से जो है, एक पार्टी के समर्पित सिपाही होने के नाते, हम तो अपना काम करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत दुख हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है दिल में, जिस तरह से हमारे साथ बर्ताव करा जा रहा है। मैंने पूरी तरह से जो है इस बात को रखा है और आगे भी मैं रखूँगी, क्यों नहीं रखूँगी। लेकिन सच्चाई ये है कि जो इलेक्शन लड़ते हैं उनको इस चीज़ का देखना चाहिए। और जब PCC प्रेसिडेंट तक जो हैं इलाके के अंदर आते हैं MLA के लिए, हर एक जगह आप देख लो, सारे के सारे लोग इकट्ठे होते हैं, तो मंच के ऊपर तो इकट्ठा जो है अगर हो गए, तभी तो यूनिटी का मैसेज जाएगा। आप क्या मैसेज देने के उसमें हैं, फिराक में, ये तो मुझे समझ नहीं आ रही है।
कि जिसका हलका है, जहाँ से वो इलेक्टेड एमएलए रहे हुए हैं, उन्हीं को आप मंच के ऊपर नहीं बुलाना चाहते, तो इसका मतलब तो ये है कि आप उनको मारना चाहते हो, उनको ख़त्म करना चाहते हो। तो ये तो जनता जो है भैया, ऐसे तो कोई मरता नहीं है, जनता मारेगी तो हम जरूर मरेंगे।